अभी हमने भी मेरे मुंह पे कुछ करना है, जो रही है अमित की जलालत। ये इसने टैक्सी में नहीं है, गर्दन पे टैक्सी गर्दन पे डूड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे, बहुत बेहतर नहीं, बेहतरीन होंगे। खैर, आज मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बना लें, एक और छोटा सा, यू नो, अभी बाकी व्लॉग पोस्ट होना पेंडिंग है, बट टाइम नहीं मुझे मिल रहा एडिट करने का। असल में टाइम किस वजह से नहीं मिल रहा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सीन ये है कि मैंने सोचा कि मैं आपको अपना प्रोग्रेस वर्क दिखाऊँ। अब आप कहेंगे प्रोग्रेस वर्क किस चीज़ का? तो जी, मैंने बताना था कि इस संडे 31 जैन को मैं एक कॉम्पिटिशन में जा रही हूँ, ठीक है, और वो आर्ट कॉम्पिटिशन। तो उसके लिए जो मेरी प्रेपरेशंस हैं वो मैं सोच रही हूँ कि आपको दिखाऊं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ उस काम पे, और मैंने सोचा कि आपको थोड़ा प्रोसेस वर्क दिखाऊं कि क्या मैं करने वाली हूँ कंपटीशन में, क्योंकि अब कंपटीशन का दिन कल है, कल सुबह। असल में मैंने 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही थी और मैंने उसके ना शूट नहीं किया और मैं भूल गई कि, और उसके बाद मुझे आइडिया आया कि यार अपना प्रोसेस वर्क तो दिखाना चाहिए ना, कि मैंने क्या मैं कर रही थी और क्या सीन था और मैंने क्या वहाँ पे जाके क्या बनाया। बट हाँ, मेरे पास कल का जो काम है उसके कुछ क्लिप्स हैं, तो मैं वो इसमें ज़रूर ऐड कर दूँगी, और अभी मैं बाकी प्रोसेस वर्क करूँगी, आपको दिखाऊँगी अभी, क्योंकि मैंने लाइक एक आर्ट कॉम्पिटिशन है, वहाँ जाके यू नो परफॉर्म तो करना ही करना है, बट उससे पहले जो मैं उसके साथ जो साइड सपोर्टिंग, जिसे कहते हैं सपोर्टिंग प्रॉप्स, या आप उसे कह लें कि जैसे हम फिल्मों में देखते सपोर्टिंग कास्ट होती है, वैसे ही मेरे काम को तो मैंने वहाँ जाके बनाना है, ठीक है। जो आर्ट वर्क क्रिएट करना है मैंने वहीं क्रिएट करना है, बट उसके साथ जो उसकी लाइक कंपोजिशन होती है ना, उसके साथ जो प्रॉप्स यूज़ करने होते हैं, तो वो रेडी मैं अभी कर रही हूँ, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। उसके साथ लाइक रानिया पे भी जो मैंने काम करना है, बेसिकली रानिया इज़ माय कैनवस, और उसके फेस पे मैं पेंटिंग करने वाली हूँ। 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी मैं पेंटिंग वगैरह से बाकी जो उसके प्रॉप्स रेडी करने के बाद रानिया के फेस पे एक दफ़ा फाइनल प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद कल सुबह वहाँ पे होप सो टाइम मैनेज हो जाए, 4 घंटों के अंदर अंदर काम कंप्लीट कर दूँ। हाँ, अब पता नहीं, यू नो पीयर प्रेशर इससे बहुत ज़्यादा है, तो होप सो हर चीज़ अच्छी हो जाए, हर चीज़ बेहतरीन हो जाए, जैसे मैं इमेजिन कर रही हूँ, जैसे मैंने सोचा हुआ है। अल्लाह करे, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो लाइक अल्लाह पे है अब कि अल्लाह मुझे कामयाबी देता है कि नहीं देता, क्योंकि मैंने तो जो है क्या कहते हैं अपनी पूरी कोशिश करनी है, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा हुआ है, जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर्स मैं किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रही हूँ और लाइक प्रॉपरली आर्ट फोरम में आर्ट प्रेजेंट करने जा रही हूँ, क्योंकि वीडियोस पे तो करना अलग चीज़ है ना, मेकअप कर लिया दैट्स इट, फेस आर्ट कर लिया दैट्स इट, बट अभी बहुत पूरा सेटअप क्रिएट करना है। होप सो हर चीज़ रेडी हो जाए, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है। सो टाइम मेरे पास इस वक्त टाइम की बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि यू नो घर के काम काज भी करने होते हैं और नमाजें भी होती हैं, तो हर चीज़ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और सोना भी होता है, क्योंकि कल रात को मैं तकरीबन आप सोचें सुबह 5 बजे तक मैं काम करती रही हूँ, फेस आर्ट करती रही हूँ, और जो है ना क्या कहते हैं उसके बाद फिर रेस्ट करना था, तो सुबह 7 बजे तक मैं मतलब लाइक दूसरे काम भी मतलब चीज़ें समेट के हर चीज़ जो है सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके फिर मैं सोई हूँ 7 बजे, और फिर 10 बजे फिर उठ गई नाश्ता देने के लिए। नाश्ता देने के बाद जी सीन ये हुआ कि फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मतलब सोना ज़रूरी था वरना मेरी कमर टूट जाती, और उस वक्त फिर मैंने जो है ना अपने आप को सुनाने की कोशिश कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि मेरा नेट का पैकेज भी ख़त्म होने वाला, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम था, फिर मुझे 12 बजे तक वो जागना पड़ा उसके लिए भी,
क्योंकि मैं यूज़ कर रही थी और मैंने वो पिछले जो है अपने GB ज़ाया नहीं कर रहे थे, तो इसलिए पर मुझे जागना पड़ा. मैंने कहा कि उससे पहले ऐड कर लूँ तो बच जाएंगे वो भी. कंजूसी करनी पड़ती है, बचा के रखना पड़ता है, तो उसका भी रोला था. फिर मैं 12 बजे के बाद सोई हूँ और उसके बाद मैं 4 बजे मुझे उठाया गया है. हाँ, 4 बजे की उठी हूँ. उसके बाद घर के काम नहीं ख़त्म हो रहे, मेरे प्रोसेस वक्त कब शुरू होगा. और अभी मैं इतना बोल रही हूँ, 5 मिनट तो आप लोगों ने मेरी गुफ्तगू सुन ही ली होगी और आवाज़ार हो गए होंगे कि कितना बोलती है बाजी, तो कम वहाओ. तो चलो अब चलते हैं, ठीक है. अब आपको मैं शायद वीडियो में ज़्यादा ना नज़र आऊँ, बट मेरा काम नज़र आए तो बुरा मत मनाइएगा, ठीक है. अव्वल तो किसी को मेरी शक्ल से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहना पड़ता है, ठीक है. और हाँ, प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना, ठीक है. ओके, बाय बाय. अब आगे आपको अपना प्रोसेस वर्क दिखाती हूँ. टंग ट्विस्ट हो जाती है भाई. चलो ओके, बाय बाय बाय. ये ऐसे काम करती है गंदी, ऐसे गोर गुड़ गुड़ के देखती है गंदी. और जिसको नींद आ रही होती है उसका क्या ना होता है? शिक नहीं हो तुम्हारी, ऐसे ना देखा करो. हाँ चुप करो. हाँ क्यों, मैं क्या चुप करूँ? हाँ खुद तुम सुबह से सोई हुई हो. ओके, हम नेक्स्ट चैनल पे जाते हैं. कोको अपनी आंख के अंदर से सब कुछ बाहर निकालने लगा था. यस, वी रिलेट कोको. जो हम आंखों से इतनी, वो देखो उसकी आंख लाल हुई. क्या नशे नशे करता है. अपने बारे में क्या ख्याल है, जो आप सुबह से जाग रही थी, है ना, है ना, सुबह से जाग रही थी ना आप. और खोल बूझ ना, और खोल दो से खोल. पूरा दिन सोती रहती है, उठाने जाओ तो 10 दफा लोग उठा के वापस आ जाते हैं. मैडम उधर ही मरी रहती है. मुझे पता ही नहीं चलता मुझे किसी ने उठाया है. तो चलो स्पीकर मत सोया करो ना. वहां भी फीम फीम लगी हुई थी. मम्मा कहती फीम क्या होता है, मैं उधर वही फीम क्रीम अफीम होता है. अफीम चरस, अफीम क्या होता है, नशे की गोली, सोने वाली गोली. तुम बोलोगे कोको आपको चरस चल दी है? चरस गांजा मेरे को प्यार. कॉपीराइट स्ट्राइक चरस गांजा. नहीं मुंह से नहीं चेप बनता. ये बटर रैपर उसने मुंह से ही गाया था.
पीछे म्यूजिक भी था जाहिल। नहीं तुम्हारी जैसी आवाज म्यूजिक ही होता है। नहीं सॉरी हम ऑटो ट्यून भी नहीं गाते, उस पागल ने बेचारे ने वो पंखा आगे रख के ना ऑटो ट्यून यूज करते हैं। जो चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा क्या करना चाह रही हो? चरस गांजा मतलब ये तुम्हारा काम मैं कर रही हूँ। चरस गांजा मैं तुम्हारे लिए वो सुखाया। सूख गया ना उससे उसके बाद? ये मेरे हाथ में क्या है? क्या है? तेरा फोन। वाह वो तो मुझे नजर आ रहा है। अब तुम्हारा भी है, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन भी है। ये नकली नहीं है इसलिए है। वरना इसका कोई पता है? छैया छैया चलाती हो बैठ के। छैया 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 व्हाट डू यू मीन छैया छैया? पेंटिंग रेडी हो जाए फिर तेन दस दी मैं। जी आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? नहीं। अच्छा तो ये हो गया, टाइम हमारा हो गया है। 3:03 लिटरली 3 बज गए हैं। अभी हमने अभी मेरे मुंह पे कुछ करना है जो रही हमिद की जलालत, फिर हमने सुबह 9-10 बजे घर से बाहर निकलना है। अभी हमने 6,000 काम करने, हमने पैकिंग भी करनी है। इसको देखो मोटा टिकी पैक। तुम्हारे से एक टिपिकल सवाल पूछूं? तुम जीतोगी? ये देखो पानी गिरा दे। पता नहीं शक्ल दिखा दो, मनहूस नहीं लग रही क्या? इधर मुझे इधर कैमरे में देख। हेलो ये कभी कभी प्यारी भी लगती है। मैं बताती हूँ, ये मछली इतनी मनहूस थी, ये हम इसको वेल बोल रहे थे, 3 घंटा वेल बोला हमने इसको 3 घंटा, फिर उसके बाद ये मछली बनी है। फिर मैंने खराब कर दी। यार तुम दफा हो जो पहाड़ी में, यहाँ से फाड़ दोगी तो। इसका दूसरा कहाँ है? क्या इसके दूसरे बाजू का? ये दोनों एक ही साइड पे हैं बाजू। क्यों? वो एंगल ऐसा है उसके उस साइड पे नहीं बाजू। अच्छा ये वाला इस साइड का, वो वाला उस साइड का। अच्छा समझ आ गई। थोड़ी थोड़ी ये दो बाजू इकट्ठे नजर आ रहे। जूता उतर गए मैं। ये नहीं हमें गरीब। मैं गरीब कैसे? गरीब ही लगती हो तुम। अब हम आपको अपनी सलालत कुछ ही घंटों बाद दिखाएंगे। अभी सिर्फ इतना ही हो सका ये को सजा, क्योंकि ये अभी सिर्फ इतना ही हुआ है, क्योंकि हम थक गए हैं और अभी 5 बजने वाले हैं, 5 सुबह के 5 बजने वाले हैं, और अभी हमने कुछ समेटा नहीं और हमने कुछ पैक नहीं किया। हाँ जैसे कैमरा पैक नहीं होता। ओ अभी दिखाना था मैंने, मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। लिटरली ये हालत है, ये हमारी बिल्ली पागल हो रही है इस वक्त। जवाब दो। हाँ कैमरे में देखो मुझे हिचकी लगी हुई। अच्छा पानी पी, ये हाल है हमारा। तो अब मैं इसके साथ दफा हो जाऊंगी। हमारे पास कितना टाइम है? को 4 और 11 में कितना फर्क होता है? नहीं मैं अपनी शक्ल दिखा रही। 4 और 11 में कितने घंटों, कितना कितने नंबर था? 1:03 शुरू होने कितने घंटे रह गए हमारे पास? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। हमने 10 बजे यहाँ से चले जाने घर से। तो हमारे पास इस वक्त है 6 घंटे मुश्किल से। हमने तकरीबन 9 बजे रेडी हो जाना है। मेरी गलती। 9:30 बजे तक हमने। और मजे की बात यह कि पिछले 10 दिनों से दोनों गर्दनों पे ना, दोनों गर्दनों सेट सेम बोला था तुमने। सेट। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, एक गर्दन पे दोनों साइड्स पे
बल पड़ा हुआ है मुझे मेरे दोनों गर्दन मेरी दो गर्दन नहीं है, मेरी एक ही गर्दन है। मैं ये कह रही हूँ कि एक इधर बल पड़ा हुआ और एक खिंच पड़ी हुई है मुझे, और वो ठीक नहीं हो रही जब मेरी गिच्ची ऐसे करती है ना, तो फिर मुझे लग पता जाता है। अच्छा मैम आपको प्लीज़, हम घर से बाहर निकलते हुए मिलेंगे, आने छोड़िए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। डाल दूंगी, सेंड नूड्स, NOODS, स्वैग। ओके अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज मैं वेन्यू पे पहुंच चुकी हूँ, अब हम काम कर लें, हमारा आधा घंटा ज़ाया हो चुका है और मैं रानिया का कब से वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, और वो आने का मूड नहीं ले रही, मतलब समझ गए ना, बात ख़त्म। चलो अब मैं काम कर लेती हूँ थोड़ा। ओके यार तुम क्या कर रही हो? पीछे हटो। हमें ओके ओके पीछे हो गए मेरे बाल काट लेने के, कैसे मैं काट लूंगी। इधर से आना, इधर से निकलते यार, ये छोटी होनी चाहिए, मैं से बड़ी क्यों नहीं है? वो छोटी की बजाय बढ़िया बन गई, अब तुम्हारा माथा ही प्यारा है बहुत है यार, आगे माथा छोटा कर सकती है ऐसे भी नहीं, नहीं? यार ये पैलेट नाइफ भी ना काम नहीं कर रहा है। नहीं हम नहीं दिखाएंगे, दफा जाओ। हमारा ये सेटअप है वेरी ब्यूटीफुल। बहुत पत्ते हैं, वेरी पत्ता फुल जगह। यार ये साइड की जगह पर टिटियां हो रही हैं। आजा 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 रख टांग, ये ऐसे बैठते हैं हम ऐसे। हाय हाय सही। हम उठी जगह क्यों बैठ गए? मैं तो मैं कहा था हम जमीन पे बैठ जाते, हाँ ताकि तुम्हारी कमर भी टूटती मेरी कमर भी टूटती। वाह व्हाट अ हैप्पी फैमिली। आई एम रिकॉर्डिंग दिस ड्यूड, आई एम रिकॉर्डिंग। पागलों का सरदार है हम। ये इसने ना मैं दिखाती हूँ, दिखाने की कोशिश कर रही है, थीना पैलेट है ये, हमने बड़ी महंगी खरीदी है अल्लाह का नाम लेके। जब बकवास करती हो तो यूज़लेस। नहीं सही से बता रही हूँ, बंदे ने थोड़ा करना होता है। वाह बुढ़ी वाह, हेलो हाय बाय बुढ़ी हाय। ये आपको बहुत क्लोजअप मिलेगा ज्वेलरी हमें, वो आंख तेरी बड़ी प्यारी है। She did not enjoy this. She is not enjoying this, dude. I am enjoying this a lot because you know this is very comfortable. A very comfortable position to be in. तुम्हारे लिए record करी content बना रही, तुम्हारे लिए चुप कर जाओ। अगर ये नहीं हुआ तो duty तो चल जाएगा ना थोड़ा सा। बगैर तो यो। I don't know. बगैर तो की सरदार। Thank you. तंग करी जा रही है मुझे। ले हाल पे उन्होंने हमें टैटू करवाया, मतलब टैटू सॉरी सॉरी। बता तस्वीरें ले रहा था मैं।
मुझे पता है। आई नो, इसलिए मैं चुप कर गई थी, वरना मैंने बकवास करी। वरना तुम्हारे अंदर का जिन जागता। मैं कहने लगी थी कि अंदर की जंगली जानवर नहीं जगानी मैंने अपनी। मैं क्या कह रही हूँ, मेरा टैटू नहीं किया, उन्हें स्टैम्प करवाया है, फुल टर्म है। कैन यू प्लीज मोडिंग योर गिची, थैंक यू। इतनी प्रोग्रेस हुई है। टाइम क्या हुआ है 12:44। We are doing good. Okay. हमने तीन दिन लगा के हमने प्रैक्टिस की है। प्लीज कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। देखो लाइटिंग यहाँ पे अंत है यार। वो देखो इसने मेरे स्वेटर का क्या हाल किया, ये देखो जरा भाई, मैं आपको तार के दिखाऊंगी। मैं बाद में लेटेक्स लगाना, मैंने अभी मुंह पे हमारे मुंह के बाल भी। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर लेटेक्स खरीदने से पहले आपको मैं एक चीज बताऊं, हमें शी की स्मेल आती है बिल्लियों की। हम बिल्ली रखते हैं, हमें पता है जिस दिन ये लेकर आई थी ना पैदा, मैंने कहा ये कोको की शी की स्मेल क्यों आ रही है। TMI, but you have to know because it smells like shit all the time, dude. निमोनिया की स्मेल ऐसी है। हैं? निमोनिया डला होता ना इसमें। निमोनिया? तो मैं जाहिल बंदे से बात कर रही हूँ, निमोनिया क्या बोला है? अमोनिया what? कॉकरोच। मेरी गिच्ची टूट गई। यस, हैप्पी गिच्ची टूटिंग डे, हैप्पी पॉटी डे। वो पागल वहां पे टेबल पे टट्टी खरी जा रहे हैं, मतलब के बच्चे जो ऊपर नहीं होते दर यार। ये लव इसकी शक्ल देखो यार, बहुत गरीब है। ओए गरीब की शक्ल दिखा। हेलो गरीबपन, देख तेरे बच्चे रो रहे हैं। मेरे बच्चे नहीं है, आई एम अ सिंगल मदर। अब हम एंड्रॉइड वाली हवा में तो नहीं क्या, ये ना हम बर्गर नहीं है। वाह, दिस इज सो कूल। थप्पड़ खाना है? नहीं। Then shut up. मुची मुची। इसकी मूंछ को क्या हो गया यार? मूंछ को दर्द नहीं होता। क्या है यार ये तमाशा, हमारे पीछे बर्गर बैठे हुए हैं। मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हमारे पीछे बर्गर बैठे हुए, फुल नॉन अंग्रेजी में बोल रहे हैं यार। तो क्या हो गया, मुझे मजा आ रहा है, और मैंने भी अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी थी। मेरी बर्गर से मैं बर्गर बन गई थी मैं। देख प्लीज मत यार, ये एक सेकंड मुझे इसको दबाना। इसने टैक्सी बनाई है गर्दन पे, टैक्सी गर्दन पे, डूड ओ बंगाल। अच्छे एंगल्स दे रही हूँ मैं, बगल में बगल। आई लाइक इट, दिस इज गोइंग समवेयर। यू लाइक सम बगल? आई लाइक टू मूव इट। यू लाइक टू को मुझे बाल कान के पीछे कब इसने मेरे मेरा फोन वही तो जाने लगा था। हम बच्चों में इस दरूफ ये टूटी। ओह गॉड, आई ड्रॉप्ड हर पैलेट। वी आर नॉट गोइंग टू ओपन इट। सोचो कितने मेरे सारा खर्चा होगा। 3 लाख इतना भी नहीं हुआ। इसकी शक्ल देखिए, 50,000 तो ये सारा है हाथ में हमारे। ये बाबा जी सियालकोट लाहौर में बैठे हुए हम। टाइम क्या हुआ है? 18 फोकस हो जा, 18:18 नहीं फोकस हो रहा, टाइम पता चल गया यार। मैं क्या यार, इंसान बन जाओ। आई एम ह्यूमन, ओके? नो, यू आर माय कैनवस। देन व्हाई आर यू आस्किंग मी टू बी अ ह्यूमन इफ आई एम योर? फिर बगल शॉट। तुम क्या बगल शॉट?
फाइनल लुक है हमारे पास. काइंड ऑफ अभी बाल खोलने हैं, अभी लैशेज लगानी है. अभी हमारे पास अभी 2:40 है, 3 o'clock तक टाइम है. आँख बंद करो. The difference between this and my real lashes, dude. This is. हाँ कर रही हूँ. Like ये you don't have to look at this. अब उन तस्वीरें खींच चुका है. दांतों में नहीं लगना चाहिए. कल परसों रात को इसने डेंट लगाया मेरे होंठों में, मेरे दांतों पे लगा दिया. बस देख. मैंने भी अपने दांतों पे लगा लेती हूँ. ये यहाँ पे मैंने लेटेक्स गिराई है अभी, और मैं यहाँ पे नीचे गिरी होगी. ओके ये काम है. ये 3000 दफ़ा. और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मेरे पे किसी, मुझे नहीं पता किसने, लेकिन ऊपर जो बर्ड्स नहीं उनमें से किसी ने मेरे पे अपना ब्यूटीफुल गिफ्ट छोड़ दिया था मेरी स्वेटर पे. अल्लाह का शुक्र है, वरना शर्ट पे होता ना. ये देखो भाई, ये इसे कहते हैं काम. मज़े की चीज़. यहाँ पे बर्गर आए हुए हैं. ओह माय गॉड, यहाँ पे पीछे मेरे बर्गर बैठे हुए हैं सारे. अल्लाह, हैरान हूँ मैं. टाइम क्या हुआ है हमारे पास? ओह माय गॉड, वी ओनली हैव लाइक 8 मिनट्स लेफ्ट. 8 वो 8 और 7 मिनट्स लेफ्ट. आ रही है जैसे एक सेकेंड. वूहू, यूहू ओके अगर आप मेरे से मांगे. इतनी खूबसूरत नजर ना लगे. हाँ लगा दूंगी मैं हैंडलर, टेंशन ना लो. मैं को कर रहा नजर लगा दूंगी. मनोज यार ये लाइट ऑन करेंगे तो मजा आएगा. तू काम है मेरा. हाँ सपने सुना था, सपने कहा था, गली में किशोर
ओके गाइस, तो अब हम वापस आ चुके हैं और मैं फुल थक टूट चुकी हूँ। बड़ी बुरी हालात हैं, बुरा हाल हुआ पड़ा है। क्या टाइम हुआ है? लाइक 7 बज रहे हैं और हम सुबह कितने बजे गए थे? हम 9:45 बजे वहाँ पे थे कंपटीशन के लिए, एंड बुरा हाल हुआ पड़ा है इस वक्त। और आपको एक बड़ी मज़े की बात बतानी है। आई गॉट द 4th पोजीशन और मुझे गिफ्ट भी मिला है और साथ सर्टिफिकेट भी है। सॉरी, बैकग्राउंड को इग्नोर करें प्लीज़। हाँ, क्या कर रही हूँ? लाइक सर्टिफिकेट भी मिला है और ये गिफ्ट भी मिला है, 4th पोजीशन ली है, और फिर मैंने कोई ना कोई, मेरा दिमाग ख़राब हुआ, हर चीज़ उल्टी उल्टी सीधी हो रही है। सो इतनी मेहनत के बाद चलो 4th पोजीशन ही आ गई, बड़ी बात है। वरना उसका भी इरादा नहीं था, मतलब लग नहीं रहा था कि 4th भी आएगी, बट थैंक्स के उन्होंने मुझे किसी काबिल समझा। थैंक्स टू अस, नहीं बिच, वी डिड ऑल द वर्क। हाँ, और थैंक्स टू अस स्पेशली कि हमने, चुप करो तुम। खैर, 4 रातों से हम जलील हो रहे हैं, फाइनली कुछ तो रंग लाया। मेरे से अल्फाज नहीं निकल रहे इस वक्त, मुझे उर्दू इंग्लिश पंजाबी सब कुछ डेड। नींद आई हुई है भाई, शदीद वाली, रात को हम सोए नहीं है, बड़े बुरे हालात थे। हम लोग आधा घंटा सोई हूँ, रानिया शायद 2 घंटे सोई है। मेरा बड़ा बुरा हाल है, पैरों में मेरे दर्द हो रही है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर, आपको थोड़ा बहुत मैंने आज जो है ना आज के छोटे मोटे ग्लिम्प दिखाए। अब ना मैं चलती हूँ, मैं फौत होने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़, मतलब फौत से मुराद दे, यू नो, आई एम डाइंग ऑन माई बेड, आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। ओके, समझ आ गई है, इतना बड़ा मुंह देख लिया। अब अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और नहीं अच्छी लगी तब भी सब्सक्राइब कर देना, समझ आई? इतना ड्रामे नहीं करते होते, बाकियों को देख लेते तो मेरे क्यों नहीं देखते? हाँ, शर्म नहीं आती? ओके फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हाँ ठीक है, लाइक भी कर देना और शेयर अगर करनी हो तो वो भी कर देना, ठीक है? ओके, बाय बाय।